और उधर बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी की खबरें एक बार फिर से सुर्खियों में। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह की कामना लेकर एमबीबीएस की एक छात्रा ने पदयात्रा शुरू की है। गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक सर पर गंगा जल लेकर कलश लेकर निकली है। पदयात्रा 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचने वाली है। बाबा बागेश्वर की शादी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। शादी की बात से ही वो दूरी बनाकर चलते हैं, लेकिन एक बार फिर ये सवाल उनके पीछे पड़ गया है, जिससे आसानी से बच पाना इस बार बाबा के लिए मुश्किल होने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बाबा बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से ब्याह रचाने की हसरत दिल में पाले उनके धाम की तरफ कूच कर चुकी है। टीवी स्क्रीन पर भगवा कपड़ों में दिखाई दे रही ये हैं शिवरंजनी तिवारी। इनके बारे में कहा जा रहा है कि एक बड़ा संकल्प लेकर बाबा के दर पर पहुंचने वाली हैं। ये गंगोत्री धाम से सिर पर गंगा जल का कलश लेकर निकली हैं। 16 जून को शिवरंजनी बाबा बागेश्वर के दर पर पहुंच जाएंगी। शिवरंजनी से जब बाबा बागेश्वर से शादी की बात पूछी गई, तब उन्होंने बहुत ही गोलमोल जवाब दिया, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि वो 16 जून को जब बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगी उसी के बाद इस रहस्य से पर्दा हटेगा। जब से मैंने ये गंगा कलश यात्रा स्टार्ट करी है गंगोत्री धाम से, जब से मैंने सर में कलश रखा है, तब से तरह तरह की ट्रोलिंग हो रही है हर न्यूज में। हर कोई कहता है कि मैंने ये कलश यात्रा इसलिए की है क्योंकि मैं मनचाहा वर पाने की कोशिश कर रही हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों में फूलों की माला लेके जा रही हूँ, जो कि मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के गले में डालने वाली हूँ। तो देखिए, मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगी, जो महाराष्ट्री हैं, अंतर्यामी हैं, प्राणनाथ हैं, करुणा निधान हैं, हर किसी के मन की बात पहचान लेते हैं, तो मैं सभी को कहूँगी कि आप 16 जून तक का वेट कीजिए। खुद बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार अपनी शादी की बात से खंडन कर चुके हैं, लेकिन उनकी प्रशंसक शिवरंजनी तिवारी अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, शिवरंजनी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए प्राणनाथ शब्द का भी जिक्र कर रही हैं। तो एक बार फिर सवाल हवा में तैर रहे हैं कि क्या शिवरंजनी बाबा बागेश्वर के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधना चाहती हैं? क्या वो उन्हें अपना जीवन साथी बनाने की कामना रखती हैं? क्या 16 जून को बाबा बागेश्वर धाम में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या 16 जून को ही बाबा की शादी के पीछे की सच्चाई से पर्दा उठ जाएगा? 16 जून को हम सभी लोग महाराष्ट्र के साथ में लाइव होंगे, तो वहाँ से वो खुद ही मेरे मन की बात पढ़ के बता देंगे कि मैंने ये यात्रा क्यों निकाली है। तो सभी लोग मुझे देखते रहिए, सर्च करते रहिए शिवरंजनी। अपनी यात्रा के दौरान शिवरंजनी चित्रकूट के संतोषी अखाड़ा पहुंची, परिसर में भजन मंडली भी सजाई, अपने दिल में मनोकामना लिए साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। शिवरंजनी एमबीबीएस की छात्रा हैं और 2 साल से वो बाबा बागेश्वर सरकार को फॉलो कर रही हैं। बचपन से ही वो अध्यात्म से जुड़ गईं। 4 साल की उम्र से वो भजन गा रही हैं और 8 साल तक संगीत की शिक्षा भी ली है। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, जो भी बताएंगे हमारे महाराष्ट्री बताएंगे, मैं क्यों कुछ कहूं। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं, देश दुनिया में उनके करोड़ों की संख्या में फैन है। उनका दिव्य दरबार पूरे देश में लग रहा है, जिससे हर तरफ उनके दरबार की धूम है। बाबा हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन उनके फैंस में उनके प्रति जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। शिवरंजनी तिवारी भी उनके दरबार में जाने की तमन्ना रखती हैं। 16 जून को बाबा के दरबार में फिर कुछ बड़ा होने के आसार हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर सरकार के साथ शिवरंजनी की कथित शादी पर 16 जून को सच सामने आएगा। चित्रकूट से अखिलेश सोनकर की रिपोर्ट, न्यूज 18। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देख रहे न्यूज 18।